साहिब जी, तुम मखतूला सुपेद सपैयला, हम बपरे जस कीरा। तुम मखतूल सुपेद सपैयल, हम बपरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखीरा। सतनाम जी वाहे गुरु साहिब जी, पौड़ी नाऊ तेरा निरंकार है, नाई ले नरक न जाइए, जियो पिंड सब तिसदा, देखा जै आख गवाइए, जे लोड़ें चंगा अपना, कर पुनो नीच सदाइए, जे जरवाना पर हरै, जर वेस करेंदी आईऐ, को रह न परियै पाइऐ, को रह न परियै पाइऐ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश रहमत दा आनंद मान रहे, गुरु चरणा विच शुभायमान, गुरु प्यार वाले, गुरु सवारे सतसंगी जनों, तन गुरु नानक साहिब पातशाह दी पावन बाणी श्री आसा की वार लड़ी वार आपां विचार कर रहे हां। अज असी आसा की वार जी की पंजवीं पौड़ी की विचार करनी है। इस पावन पंजवीं पौड़ी के नाल दो श्लोक सन, उन्हां दी विचार आप कर चुके हाँ। वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, और उस तो पहलां दा श्लोक सी घड़ियां सभै गोपियां पहर कन गोपाल। तो धन गुरु नानक साहिब पातशाह हुण, क्योंकि पौड़ी का जो केंद्रीय भाव है वह है एक परमेश्वर दे नाल जोड़ना। श्लोकों में उदाहरण सन, श्लोकों में गुरु नानक साहिब पातशाह ने इतिहास की गल की, समाज के उस समय का जो वर्तारा वरत रहा सी उहदी गल की, ते अखीर विच पौड़ी दे उपर आके गुरु नानक साहिब पातशाह ने फिर अपनी गल दुनिया नू कह दित्ती वी असल सच यह है, नाउ तेरा निरंकार है। इत्थों आरंभता हुंदी है जी पौड़ी दी, हे प्रभु तेरा नाम निरंकार है। निरंकार दा अर्थ हुंदा आकार तों रहित, जिहदा कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई बनतर नहीं है, उहदी पत्थर नू रब कहा जा रहा उहदी कोई बनतर है, पशु पंछी नू दुनिया रब मनदी है उहदा कोई शरीर है, कोई आकार है, मनुख नू भी रब कह दिता जांदा है, शरीर है, आकार है, जम्मिया है, मरदा है, इनू कहा ही जा सकता है। पर पातशाह कहिंदे कहण दे नाल कोई हो थोड़ा सकता है। तो नाउ तेरा निरंकार है, हे प्रभु, हे परमात्मा,
तेरा नाम निरंकार है, तेरा नाम आकार तो रहत है। क्योंकि जिन्हां नूं पिछे परमात्मा जिहड़ियां दो आपां पौड़ियां विच क्योंकि संबंध रखना पौड़ियां दा श्लोकां नाल, हुण गुरु नानक साहिब ने आरंभता विच इह क्यों कहा वी तेरा नाम आकार तो रहत है, तेरा नाम निरंकार है, क्यों कहा? क्योंकि पिछे उन्हां दी गल चली जिहड़े आकार विच सन ते रब कहा जा रहा सी। श्री कृष्ण जी नूं रब कह के पूजा जा रहा सी, रामचंद्र जी नूं रब कह के लीला कीती जा रही सी। तो गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे उह आकार विच ने, माता पिता भी है आकार विच ने, शरीरधारी ने, पर परमात्मा तेरी ते पहली तेरा ते पहला गुण ही इह है वी तू निरंकार है, तू आकार तो रहत है। नाउ तेरा निरंकार है, हे प्रभु तेरा नाम है आकार तो रहत, ना ही लै नरक ना जाइए, इनू लइए नहीं बोलना क्योंकि सियारी लगी हुई है, ना ही लै नरक ना जाइए। तेरा नाम विच इन्नी शक्ति है, तेरे नाम विच इन्नी एक समर्था है कि तेरा नाम लइए नरकां नू नहीं जाइदा, भाव नरकां तो बच जाइदा है, मरन तो बाद नहीं। एक नरक ज्यौंदे जी हुंदा है गुरमुखो। देखो दो चीज़ां ने, एक ओ ने जिहड़ियां साडे रहबरां ने, साडे पुरखां ने, साडे गुरु साहिबानां ने कहियां, एक ओ चीज़ां ने जिहड़ियां साडियां धर्म ग्रंथां दियां मानतावां ने भी मरण तो बाद एक स्वर्ग है, उत्थे इंद्र बैठा है, धर्मराज बैठा है, वो मानता साडे धर्म ग्रंथां दी है। पर एक एक असी संसारी तौर पर जे अपनी बुद्धि नाल देखिए तो जौंदे जी भी नरक हुंदा है, कई बार जौंदे जी नरक। इस करके बहुतांत दुनिया नूं मरण तो बाद नहीं, बहुत ही जिहड़ी रब तो टुटे हुए ने, रब नूं भुल के बैठे ने, अपनियां मनमर्जियां नाल जिंदगी जिउणा चाहुंदे ने, रसां दे विच, कसां दे विच, भोगां दे विच, वासनावां दे विच पै जांदे ने, कई वार गुरमुखो जिउंदे जी नरक भोग लैंदे आ जिउंदे जी। तो पातशाह कहिंदे ना ही लै तेरा नाम लईए, हे निरंकार प्रभु तेरे नाम विच इन्नी क समर्थ है, तेरे नाम दे विच इन्नी क ताकत है, नरक ना जाइए, नरक तो बच जाइए जेडे तेना नाम लै लेंदे हन। जियो पिंड सब तिसदा, जियो दा अर्थ है आत्मा, जिंदड़ी पिंड दा अर्थ है शरीर। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनण खाण। परमात्मा तू इस पिंड विच जियो नू पा दिता, जियो पाए पिंड जिन साजिया, आत्मा विच जिंदड़ी नू पा के, शरीर विच वाहिगुरु जिंदड़ी नू पा के, भाव के इस शरीर विच आत्मा नू पा के, सवासा नू पा के, फिर दिता पहनण खाण, फिर तू सानू पहनण लई खाण दे लई लीड़ा कपड़ा साडियां जरूरतां दित्तियां। इस तरह जियो पिंड सब तिसदा, ये भावें जिंदड़ी है आत्मा है, ये शरीर है तिसदा, ये उस परमात्मा का ही बख्शिया होया है। किहड़े परमात्मा का? जिस परमात्मा का नाम लिया नरक तो बच जाइए, ये उस दिता होया उस परमात्मा का। किहड़े परमात्मा का? जिस परमात्मा का नाम निरंकार है। जियो पिंड सब तिसदा, देखा जै आख गवाइए, देखा जै, देखा जे का अर्थ है वो सानू खुराक, खाज का अर्थ है खुराक देनी, भोजन वो सानू खुराक दिंदा है। वो केवल शरीर बनाउंदा नहीं है, केवल शरीर विच आत्मा ही नहीं पाउंदा, वो सानू खुराक भी दिंदा है। देखा जै वो सानू खुराक दिंदा है, आख गवाई है। पातशाह कहिंदे जे असी
ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਆਖ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਆਖ ਕੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਗਵਾਈਏ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ, ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ, ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੂਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਅਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਭਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਬਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਣ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ, ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਮੁੱਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੇਣ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ। ਕਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮੂਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਜਿਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਪੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸੈਣ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਪੁੰਨੋ, ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਅਖਵਾਇਆ ਕਰ, ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਦਾਈਏ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਖਵਾਉਣਾ। ਨੀਚ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਨੀਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਦਵਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਹਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਮੁਜਮੈ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ,
दावा नहीं करीदा बादशाह कहिंदे। देखो एक नहीं आउंदा अकबर, अकबर बादशाह दे दरबार दा एक मंत्री सी, वो इंज दिंदा है वह धन दौलत ते सिर नीवा करके रखदा है। किसी ने पूछया कहिंदे देण वालियां दी गर्दन तो उच्ची हुंदी है, तू जिवें जिवें दिना तेरी धौण नीवी क्यों रहिंदी है? वह कहिंदा जिहड़े दे के धौण उच्ची रखदे ने भुलेखे च हुंदे ने, मैनू सच का पता, मैं ता दिंदा होया गर्दन नीवी रखदा, मैं मूँह छुपा के रखदा क्योंकि मैनू सच का पता। पुछया कि सीखे कहां नवाब जी देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर उपर उठे, जिमें जिमें देन लई तेरे हाथ उपर उठते है ता ता नीचे नैन, सिर नीवा क्यों कर लेना, अखा नीविया क्यों होंदिया ने? वो कहिंदा देन हार कोई और है, ता नीविया ने अखा मेरिया, ता दिंदिया होया भी मैं मूँह छुपा लैना, क्यों देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोक भरम मुझ पे करें ता ते नीचे नैन। कहन लगे देन वाला कोई होर है, मैं तो सिर्फ वंडन वाला ही है, मैनू तो सिर्फ रब ने ड्यूटी लाई है एक, इस करके भेजत है कोई और, लोक पर मुझ पे करें ता ते नीचे नैन, लोगों ये भुलेखा पै गया देन वाला मैं हाँ, तो मैनू शर्म आती है जो लोग मैनू दाता कहिंदे ने देन वाला कहिंदे ने, क्यों? क्योंकि असलियत मैं तो जानता ही है ना भी देन वाला तो वो परमात्मा है, मैं तो केवल वंड ही रहा, इस करके मैनू संघ आती है, मैं सिर नीवा कर लैना। बस पातशाह गुरु नानक साहब पातशाह कहिंदे जे तेरे अंदर परमात्मा ने देन की समर्था भर दिती है तो हंकार विच ना आई, परमात्मा का शुकराना करी, तो कहीं परमात्मा मे तेरी कृपा ना मैं लोगों के नाल इंज वंडदा रहा, मैनू इंज ना देना पवे, हाथ ना अड़ना पवे, शुकराना करिया कर। इस करके जियो जे लोड़ै चंगा अपना कर, पुनो नीच सदाई है जे जरवाणा पर हरै जर, जर नूं दोनों आपस तो वक्खरा रखना, जर दा अर्थ हुंदा बढ़ेपा, बढ़ेपे नूं जे जरवाणा पर हरै, जरवाणा की हुंदा जोर वाला बलवान ताकतवर, जे कोई बंदा अपनी ताकत दे नाल अपनी बलवानता दे नाल, जे जरवाणा बंदा ताकतवर, बंदा ताकतवर का की अर्थ है, इत्थे पैसे पक्खों भी ताकतवर हो सकता है, शरीरक पक्खों भी ताकतवर हो सकता है, पर हरे परे करन दा यतन करी, पर हरे दा की अर्थ है परे करन दा यतन करे, किस नूं? बढ़ेपे नूं। जे कोई बंदा बढ़ेपे नूं ताकत दे नाल परे करन दा यतन करे, जे जरवाणा पर हर है जर वेस करें दी, वेस कर करके, वेस कहिंदा की अर्थ है वेस कर करके, भेस बदल बदल के, रूप वटा वटा के, जर वेस करें दी बढ़ेपा भेस बदल बदल के आई है, आ जांदा है, भाई इहदे कोलों तू बच नहीं सकदा, जे तू ताकत दे नाल जोर दे नाल बढ़ेपे नूं दूर करन दा यतन करे, ये बढ़ेपे तो बच नहीं सकता, ये भाई भेस बदल के आई जांदा है, सौखा सौखा जा समझ लियो। जिवें कोई एक्सीडेंट विच मौत हो गई तो बंदा कहे भी आपां तां जांदे ही नहीं घरों बाहर, आपां तां घर ही बैठांगे, आपां नूं मौत किवें आजू, भी उहदी मौत एक्सीडेंट बन के आई सी ते मैं तां घरों ही नहीं बाहर जाना। की गुरमुखो जे कोई बंदा ये दावा करे भी घरे बैठिया मौत नहीं आनी, मौत उन्हां दी हुंदी जिहड़े घरों बाहर जाते ने जंग दे मैदान जाते ने, पातशाह कहिंदे सुत्तिआं नूं भी आ जाती है, सुत्तिआं नूं भी आ जाती है, रूप बदल के आ जाती है, हार्ट अटैक दे रूप दे विच आ जाती है, उत्थे एक्सीडेंट बन के मौत आई, इत्थे हार्ट अटैक बन के आ जाएगी, जर वेस करेंदी आई है, ये तो भाई भेस बदल के आई जानी है, बच थोड़ा सकदा कितें, बचिया नहीं जा सकता। इस करके ही
गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु पातशाह बंदा पर पैसे नाल ताकत नाल भी ये यतन करता है भी मैं बचिया रहा शरीर की संभाल करता है चंगी खुराक खाता है चंगी गल है खानी चाहिए है शरीर जिंदगी है सोहनी जानी चाहिए है पर यह ना कहीं भी मौत नहीं आ सकती। ये परमात्मा ने शरीर दिता है शरीर स्वस्थ होगा तो बाणी भी पढ़ी जा सकती है शरीर स्वस्थ होगा तो चौंकड़ा भी मार सकता है बंदा शरीर स्वस्थ होगा धियां पुत्रां लई भी लंबी देर काम कर सकता है। अगे हुंदा सी गुरमुखो अगे प्यो पुत कट्ठे काम करते होंगे सी क्योंकि जब 20 साल धियां पुत्रां दा विआह हो जाना जिदों नूं 40 दा होना उदों धी पुत 20 दा हो जांदा सी हुण बंदा हुण वक्खरी गल हो गई हुण समां बदल गया हुण 30-35 साल च विआह हुंदा उह जिदों नूं पुत काम कर लवे बापू दे गोडे जवाब दे जांदे आ तो फर्क पै गया ना उमरां दा तो उदां करके अगे प्यो पुत कट्ठे ही काम करदे हुंदे सी इंज हुंदा सी समां तो पातशाह कहिंदे ठीक है शरीर नूं रखणा है संभाल के शरीर अरोग है रोगां तों रहत है बाणी भी पढ़ सकदा है सिमरन भी कर सकदा है सेवा भी कर सकदा है दुनिया भी कम भी कर सकदा है जिम्मेवारियां भी निभा सकदा है जे रोगी बन गया तो कुछ भी नहीं कर सकता सोहना तो रखना है शरीर नूं नरोग ते रखना है यतन करना है पर इस दे हंकार विच मौत नहीं भुलनी एक कदों भी आ सकती है जिन्हों बाबा कबीर साहब ने कहा बारे बूढ़े तुरने भैया सब हूँ जम लै जाइया जे भाई मौत कल्ले बजुर्गों नूं नहीं आउंदी है जवानों नूं भी आ जाती है बालकों नूं भी आ जाती है कित्थे बचेगा ये तो तेरे मन च भुलेखा है कि बजुर्ग हो गया तो मौत आएगी नहीं 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 एक एक बचन आउंदा फिर आपां अगे चलांगे बाबा फरीद साहब दा कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा कच्चे भांडे रखी है किचर ताई नीर कहन लगे दरिया के किनारे दे उत्ते रुख खड़ा होया है हौली हौली उस रुख की जिहड़ी थल्लों है ना वो जड़ां ने उत्थों पानी वगदा ते हौली हौली जड़ां विच्चों जड़ां पानी दे नाल जड़ां विच्चों मिट्टी खुरदी पई है कहन लगे जिहड़ा जिहड़ा रुख दरिया के किनारे ते खड़ा है वह किन्ना धीरज रख सकता भी बचिया रहांगा मैं कुछ समा रख सकता अखीर डिगना ही पैना क्योंकि जड़ां दे विच्चों मिट्टी खुर रही है दिनों दिन फरीदा कच्चा भांडा रखी है किचर ताई नीर कच्चे बर्तन दे विच किन्ना क समा पानी रख्या जा सकता सिम जाना है उन्हें खत्म हो के रहना तो पातशाह कहिंदे इह शरीर की है इह कच्चा भांडा ही है इह शरीर की है इह दरिया दे किनारे खड़ा रुख ही है एक ना एक दिन इस शरीर ने डिगना ही डिगना है इस घड़े दे विच्चों पानी कच्चे घड़े विच्चों पानी मुकना ही मुकना है इहदा फिक्र ना कर। अच्छा एक एक बेनती होर समझो मैनूं कई बार लगता हुंदा वी गल नैगेटिव ना चली जाए जदों गुरु बाणी दे अंदर पातशाह गल ये कहिंदे ना वी मौत आ जानी है तू मर जाना है इहदा अर्थ उदासीनता नहीं है एक एक नुकता बड़े ध्यान नाल समझो इहदा अर्थ गुरु साहिब सानू डरा नहीं रहे जे जे कोई माता पिता ये कहे भी पुत 4 वज गए तो 6 बजे दिन छिप जाना है तो दिन छिपण का समा तो आ गया तू अजे काम ही नहीं पूरा किया इहदा अर्थ की बनता है भी माँ जिहड़ी सानू वह डराउंदी है वह डराउंदी नहीं पई असल विच वह सानू सचेत कर रही है भी पुत समा तो थोड़ा रह गया अजे काम तो शुरू ही नहीं किया वो आपां नूं काम करन लई कह रही है काम का चेता करवा रही है अर्थ की बनिया उहदा माँ सानू काम करन दा चेता करवा रही है जे गुरु साहिब इंज कहिंदे ने भी जिंदगी दी शाम आउण वाली है इहदा अर्थ बनदा है गुरु सानू सही काम करन दा चेता करवा रहा है। भाई तू सूरज नूं छिपदिआं होइआं नूं रोक नहीं सकता तू ये नहीं कह सकता भी दिन 24 घंटिआं तों 28 घंटिआं दा कर लवांगा तेरे हत्थ विच नहीं है तू ये नहीं कह सकता भी सूरज 6 बजे छिपदा अज 8 बजे छिपावांगा नहीं 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 वो तेरे हत्थ विच नहीं है
तेरे हाथ विच ये है सूद छिपण तो पहला कहला काम पूरा कर लवे। बस गुरु पातशाह कहिंदे मौत तो तू भज नहीं सकता, पर किन्ना चंगा है मौत आने तो पहला पहला जिंदगी दा काम पूरा कर लवें, कार्ज पूरा कर लवें। तो गुरु जी सानू साडे कार्ज चेते करवा रहे है भी प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित कु फकड़े सा मुकदी चली रहने, तो गुरु चेते करवाउंदा है सानू। नहीं तो देखो ना जदों असीं श्लोक वारा ते वधीक पढ़दे हां गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे बजुर्ग तां रब नूं भुल्लण वाले हुंदे है, रब नूं भुल जाए पातशाह कहिंदे मनमुख बालक बिरद समान। दो गल्लां कहियां गुरु नानक साहिब पातशाह ने श्लोक वारा ते वधीक, एक उस नौजवान लई कहियां जिहड़ा नौजवान जवानी दे विच जवानी दे नशे विच रब नूं भुल के बैठा है, एक उस बजुर्ग लई कहियां जिहड़ा बजुर्गी विच है पर परमेश्वर दा नाम जपदा है, दोनों लई कहियां। पातशाह कहिंदे जे शरीरक तौर पर उम्र वडेरी है 60 दा हो गए हैं 62 दा बजुर्ग हो गए हैं तो इहनूं वडेपा ना समझ, क्यों ना समझ? पातशाह कहिंदे गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। गुरमुख जन भी कदे बुढ़े होए है, बुढ़े का अर्थ हुंदा कमजोर होना, बुढ़े का अर्थ कमजोर होना ही हुंदा। गुरमुख भी कदे कमजोर होए है, गुरमुख भी कदे बुढ़े हुंदे है। बुढ़े हुंदे आ ओह मनमुख बालक, मनमुख बालक बिरद समान है। पातशाह कहिंदे जे कोई बालक है पर मनमुख है बिरद समान है, पातशाह कहिंदे बुढ़िया वर्गा ही है वह। तो जे कोई बजुर्ग हो के बंदगी करदा सिमरन करदा नाम जपदा, पातशाह कहिंदे नहीं हो सकता वह बुढ़ा कदे। देखो ना जिस उम्र दे विच, जिस उम्र दे विच दुनिया दे लोग सब कुछ छड़ के रिटायरमेंट लैके ये कह देंदे ने भी आप बजुर्ग हो गए, उस उम्र दे विच गुरु अमरदास साहब सेवा शुरू करते हैं 60-62 साल की उम्र च, सरकार कहते रिटायरमेंट हो गया भाई हुण तों, ते गुरु अमरदास साहब की गुरु की सेवा ही 60 साल तो आरंभ होंदी है, ते 70-72 साल का बाबा सिर दे उत्ते गागर रख के सेवा करता है, कितने बजुर्गों वाली गल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तांग है अंदर सुत जुड़ी हुई है परमात्मा दे नाल, उत्थे शरीरक अवस्था दा कोई ख्याल ही नहीं है गुरमुखों। बाबा दीप सिंह है 72 साल की उम्र है और जदों पता लगता है भी देश ते कौम ते लोकां ते भीड़ पई है, खंडा चक के 18 सिर दा बाबा जवाना तो भी अगे चलता है कदे बजुर्गी वाली। बाबा दीप सिंह कहांगे बजुर्ग है, 18 सिर दा खंडा चक के सब तो अगे चलता है बाबा। क्यों? क्योंकि गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान, बजुर्गी अवस्था है गुरमुखो, इस शरीर का संबंध नहीं है। 12 साल के बच्चे गुरु नानक साहब ने बुढ़ा क्यों कहा सी? सुरत बुढ़िया वाली सी, अर्थ की बनिया शरीर कदे बजुर्ग नहीं हुंदा, शरीर कदे बालक नहीं हुंदा, अवस्था हुंदी है। कई 80 साल का बंदा है वह गुरुद्वारे आके लड़ी रोटियां पिछे लड़ी जाता मैनू खीर नहीं मिली, 80 साल का बंदा है गुरुद्वारे आके मैनू खीर नहीं मिली, अर्थ है ना भी जवाक मार गई है, रोटियां पिछे तो जवाक लड़ते होंगे है, कहना पएगा ना भी बच्चा ही है अजे तो बालक ही है सुरत के तौर के उत्ते। 12 साल का बच्चा बाबा बूढ़ा वो कहिंदा गुरु नानक साहिब पातशाह सच का पता लग गया, बजुर्ग है अवस्था होंदी है। तो आही बचन बाबा जी ने कहे जे जरवाणा पर हर है जरवेस करेंदी आई है को रह ना भरी है पाई है। जदों भाई पड़ोपी भर जाती है, पाई का अर्थ है पड़ोपी दाणिया वाली, जदों भर जाती है ना सतगुरु पातशाह कहिंदे जदों प्याली भर जाती है उदों पातशाह कहिंदे फिर रह नहीं सकती। सतगुरु पातशाह कहिंदे इस तरह भाई जदों ए जिंदगी है स्वास मुक जांदे ने
पातशाह कहिंदे इत्थे कोई नहीं रह सकदा, को रह ना भरीए पाईए। गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे भाई जदों पाई भर जांदी है, भाव जदों सवास पूरे हो जांदे ने, उदों इत्थे कोई भी नहीं रह सकदा। भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा।